इस वीडियो में हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल को समझने वाले हैं कुछ सेकंड्स में। फ्लेमिंग का जो लेफ्ट हैंड रूल है वो काम आता है फोर्स की डायरेक्शन निकालने के लिए। अगर कोई पार्टिकल है मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है तो उस पर फोर्स एक्सपीरियंस होता है, उस फोर्स की डायरेक्शन आप इससे निकाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई कंडक्टर है और वो करंट कैरिंग कंडक्टर है और मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो भाई साहब उसमें एक फोर्स डेवलप होगा, उस फोर्स की डायरेक्शन भी इससे निकाली जा सकती है। आपको अपने लेफ्ट हैंड को कुछ इस तरह से स्ट्रेच करना है कि ये तीनों उंगलियां परपेंडिकुलर हो जाए एक दूसरे से। ये जो फोर फिंगर उंगली है ये आपको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रखनी है। ये वाली उंगली यानी कि सेंटर फिंगर आपको करंट या फिर किसी पार्टिकल की वेलोसिटी की डायरेक्शन में रखनी है। तब जो थंब डायरेक्शन बताएगा वो फोर्स की डायरेक्शन होगी उस पार्टिकल या फिर उस कंडक्टर पे लगने वाला। तो यहाँ पे एक पार्टिकल जो कि मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, तो आपने इसमें जैसे ही आप फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाओगे तो जैसे ही ऐसे लगाया मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में, मोशन ऑफ द पार्टिकल इस तरफ है तो देखो फोर्स ऊपर लग रहा है यानी कि फोर्स ऊपर की डायरेक्शन लग रहा है। कंडक्टर पे लगाया कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन नीचे को है तो ये देखो मैग्नेटिक फील्ड अंदर करंट की डायरेक्शन नीचे को है देखो, और तो फोर्स इस तरफ लग रहा है तो डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज हियर।